हेलो हेलो हेलो, दिस इज तरनजीत सिंह। और ये जो रोड है ये किला सैफुल्ला जोग और डेरे इस्माइल खान को जाता है, जाता जाए सानू की। मैं तो इस तरफ जा रहा हूँ और वो है ज्यारत, यानी 122 किलोमीटर क्वेटा से आगे एक ऐसा मकाम है, सियाहती मकाम जिसको ज्यारत कहते हैं। कहा जाता है कि गर्मी में भी आए तो आप बिल्कुल ऐसे ठंडे हो गए जैसे आप फ्रिज के अंदर आ गए हैं। अपर हाइट पे है, ठंडी हवा चलती है, वहाँ पे ऐसे ऐसे दरख्त है जो कि 5000-7000 साल पुराने हैं। उसके अलावा कुछ तारीखी मकामात भी हैं। तो आज का एपिसोड हर दिल बोले पाकिस्तान का सफर, वन एंड ओनली द ब्यूटीफुल ज़ियारत। फॉलो मी। हाँ जी, सो वी आर हेडिंग टूवर्ड ज़ियारत एंड एटमोसफेयर टोटली चेंज हो चुका है। जस्ट 20 किलोमीटर क्वेटा से बाहर निकल के माउंटेन्स की जो शेप है वो भी चेंज हो चुकी है। कुछ बीच में छोटे पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे सीमेंट की बोरी, कलर बिल्कुल सीमेंट वाला है। पीछे रेड माउंटेन्स हैं, टेम्परेचर थोड़ा कम है। जो रोड है वो अच्छा है, सिंगल रोड है, आपको लेके जाएगा। और यहाँ पे जो एहतियात करने वाली बात है वो ये है कि जब ये कर्व यानी जो मोड़ हमने मोड़ना होता है वहां पे आपने थोड़ा देखना है कि आगे अगर आने वाली गाड़ी है तो उसको अपने स्पेस देना है। बाकी रोड अच्छा है। और सामने अभी देखिए दोबारा व्यू आ गया, ये जो माउंटेन्स नजर आ रहे हैं सामने, पीछे बड़े माउंटेन्स के पीछे और उसके आगे जो है एक डिफरेंट ब्लॉक बना हुआ है। सो इट्स अ चेन ऑफ 1, 2, 3। और जो सामने वाले छोटे छोटे पहाड़ ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी ने सीमेंट की बोरी रखी, बिल्कुल कलर सीमेंट वाला है। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ज़ियारत। बीच में जर्नी में जहां जहां अच्छे मकाम आएंगे स्टाइलो वहां रुकेगी, और जब स्टाइलो रुकेगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सी जगह क्या खूबसूरत है। बलोचिस्तान की जो सेब है पूरे पाकिस्तान में जाते हैं बहुत मशहूर है, लेकिन काला कुल्लू सेब जो कि रेडिश एंड ब्लैकिश टोन में होता है वो आपको ज़ियारत के इस इलाके में मिलेगा। मार्वलस, अमेजिंग, बहुत मजेदार है। और अगर आप आए तो पेटियों के लिए जगह रखिएगा गाड़ी में, 2-4 पेटी आपकी गाड़ी की सीटों के नीचे आनी जरूर चाहिए। इतना सस्ता और इतना उम्दा सेब नहीं मिलेगा। तो जी ये सेब जो काला कुल्लू सेब मैंने यहाँ बाग से तोड़ा है, जिसके बाग से तोड़ा उसे परमिशन लेके तोड़ी है। हाजी साहब हमारे साथ है। हाजी साहब कितने बाग हैं आपके? बाग तो इधर बाग यार छोटे छोटे बाग है, ये तो एक तंग दरा है, इधर कुदरती जमीन तो नहीं है, लोगों ने अपने आप मदद बनाया हुआ है। किसी का 50 दरख्त, किसी का 100 दरख्त, किसी का 200 दरख्त, किसी का 300 दरख्त, या कोई कुंभा ज्यादा एक जगह पे रहते हो तो उसका 400 दरख्त। इधर क्या बात है, ये सीजन कौन सा होता है जिसमें आप उतार के इसको पैक करके बेचते हैं? बस ये तो क्वालिटी है ना, अभी फर्ज करो एक गाजा क्वालिटी है ना, वो 15 अगस्त के बाद जो है ना वो कटा हो जाता है 15 अगस्त के बाद। और जो काला कुल्लू है गोल्डन है वो तकरीबन ये सितंबर है ना, पहली सितंबर से जो है ना ये कटना शुरू हो जाता है, कटना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसकी कीमत कितनी होती है एक किलो अगर एक सेब 3-4 रहा है? ये तो पेटी के हिसाब से जाता है ना। पेटी में कितने किलो होता है? अभी मुख्तलिफ है ना, जब वो छोटे दाली आते हैं ना वो पेटी 800-900 में बिकता है। जब इस तरह जो 5 दाने पे पैक होता है एक लाइन में, ये 1500 से 2000 तक बिकता है। और एक पेटी में कितना किलो होता है? 18 किलो होता है। ठीक है, इस इलाके में इस सेब को मजीद बढ़ाने के लिए और बेहतर फसल के लिए क्या होना चाहिए, हुकूमत क्या करे? सबसे बड़ा मसला जो है ना वो पानी का है। पानी का है। दूसरा मसला यहाँ पे बिजली का है। अभी यहाँ पे जो बिजली का सिस्टम है, अभी एक फीडर है हमारा, जो फीडर है उस फीडर में जो है ना आधे एक दिन चलाता है आधा बोरों को, एक दिन पानी देता है,
आधा ये छुट्टी होता है, फिर आधा दूसरा ही दिन, या एक दिन बिजली है एक दिन नहीं है। तो इसका मतलब है कि पानी का अगर इंतजाम हो तो और ज्यादा फसल बढ़ जाएंगे, लोग मजीद जो जमीनें हैं वो तैयार कर लेंगे, रफ्त को बढ़ा देंगे, अगर पानी का मसला हल हो जाए। अगर पानी का मसला नहीं है, ऐसा ऐसा पानी बैठ रहा है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, तो शायद ये साल दो में ये बाकायदा खत्म हो जाए। अच्छा, आखिरी सवाल का मुझे जवाब दे दीजिएगा, एक दरख्त जब हम लगाते हैं और जब दरख्त इस तरह का सेव देता है, कितना टाइम लगता है, कितने साल में दरख्त खड़ा होता है? पांचवा छठा साल में ये वो संभल देता है, दो चार दस बीस दाने, यानी छठा साल में सातवां साल में फिर वो दो चार करे देते, जब दस साल को पहुंचता है ना तो दस साल के बाद वो पूरा फसल। नोवल कोरोना वायरस एक नया वायरस है। इसकी अलामत में बुखार, खांसी और सांस लेने में दुश्वारी शामिल है। बीमारी की शिद्दत नमूनिया की शक्ल इख्तियार कर सकती है। याद रखें, हर जुकाम, बुखार और खांसी कोरोना वायरस नहीं, और मुतासर अफराद में से 97% लोग सेहतयाब हो जाते हैं। आवाम से दरखास्त है कि खांसते और छींकते हुए मुंह टिश्यू पेपर या रुमाल से ढांप कर रखें। हाथों को अक्सर साबुन से कम अज कम 20 सेकेंड तक धोएं। अगर आपने गुज़श्ता 14 दिनों में बैरून मुल्क, बिलखसूस चीन या ईरान का सफर किया है और कोरोना वायरस की अलामत का शुबा है तो हेल्पलाइन नंबर 1166 पर राब्ता करें। जैसे मैंने कहा था कि अगर आप बलूचिस्तान आए, क्वेट आए, किसी भी शहर में आए और जियारत का विजिट ना करें तो विजिट बलूचिस्तान का इनकम्प्लीट है। वो क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस प्लेस कॉल्ड कायद रेजिडेंसी। और इसकी तस्वीर को लेके बलूचिस्तान को नेशनल धारा में इंट्रोड्यूस भी कराया जाता है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 1892 में हुई और इसके अंदर बहुत ज्यादा लकड़ी इस्तेमाल हुई, जो लोकल लकड़ी, चूंकि यहाँ बहुत ज्यादा लकड़ी मिलती है जियारत में, उससे बनाया गया। और इसके अंदर 8 कमरे हैं और 28 दरवाजे हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1 जुलाई 1948 को यहाँ क्याम इख्तियार किया अपने डॉक्टर, अपने मौलज के एडवाइस पे, और तकरीबन 2 महीने 10 दिन यहाँ रहे। उसके बाद इसकी तारीख अहमियत बदल गई और इस जियारत की भी तारीख अहमियत बदल गई, क्योंकि यहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्याम किया। एंड फील सो ब्लेस्ड टू बी हेयर। और इसके अंदर वो कमरा भी मौजूद है जहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्याम किया, उनके मौलज का, और फातिमा जिन्ना का वो कमरा भी मौजूद है। कुछ पुराने यादगारी चीजें भी यहाँ पे रखी गई है म्यूजियम के तौर पे, और लोग इस शहर के हो या बाहर के हो आते हैं, विजिट करते हैं, जियारत करते हैं। तो वाई नॉट, हर दिल बोले पाकिस्तान इज हेयर। मैं आपको अंदर से दिखाऊं, कोना कोना दिखाऊं, ताकि आपको भी पता चले कि ये जगह क्यों 100 रुपए के नोट पे प्रिंटेड की गई है। Thank you.
दिस इज द म्यूजियम ऑफ कायद रेजिडेंसी. यहाँ पिक्चोरियल फॉर्म में आपको पुरानी जो यादगारी चीजें हैं वो प्रिजर्व की गई है. हम यहाँ से शुरू करते हैं इसे. अच्छा जी, अब शुरू में क्या है ये जरा बताइएगा. ये सर जिना साहब पिक्चर गैलरी, इसमें जो कुछ पड़ा है सारा पुराने ओरिजिनल चीजें पड़ी. बिल्कुल ठीक है. ये उनका जिना साहब शेरवानी की तस्वीरें, ये कब्रिस्तान का है, ये जनाजे का है, ये जो अखबार जिना साहब को हुआ था जो मिल के लिए खिला दी थी इस पर. और ये जिना साहब का फर्स्ट पासपोर्ट था उस वक्त. ये जिना साहब की सिग्नेचर है और ये जिना साहब का रेटिंग है. ये जिना साहब का भाई, उसका नाम अहमद जिना है. ये भी जर्मिशन कराची जो उसका पैदाइश हुआ था. ये जिना साहब का वालिद साहब है जिना पूजा. और ये जिना साहब के बेटे है जिना जिना. ये जिना साहब का दोस्त था बंगाल का था. और ये जिना साहब का बीवी है रची भाई. ये जिना साहब का बहन है फातिमा जिना. ये उरी गांधी है, ये मुझे वाला सरदार अब्दुल्लाह मुश्तर. सो गांधी जी के साथ, अब्दुल रब निस्तर के साथ, बाकी जो मुस्लिम लीग के लीडर थे, इसी तरह लियाकत अली खान साहब के साथ मैं तस्वीर देख सकता हूं. तो जी ये है प्रॉस्पेक्ट पॉइंट और हवा बहुत ठंडी चलती है. तो मैंने कहा इससे पहले कि मैं बीमार पड़ जाऊं और आगे आपको कुछ ना दिखा सकूं, बेहतर है कि मैं जैकेट ले ही लूं. वैसे जैकेट लाया किसके लिए था, इसी के लिए तो लेके आया था. तो प्रॉस्पेक्ट पॉइंट का जो मकसद है वो ये है कि यहां से आपको बड़ा खूबसूरत व्यू नजर आएगा. पहाड़ जहां मिलते हैं, जहां जुदा होते हैं पहाड़, जितनी खूबसूरत ग्रीनरी है नीचे वो आपको यहाँ प्रॉस्पेक्ट पॉइंट से नजर आएगी. जस्ट 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम ज्यारत. और जो सांप नहीं होता जैसे मुड़ता है कर्व लेफ्ट राइट, और बिल्कुल उसी तरह की सड़क मुझे लेके आई है. यहाँ का व्यू बहुत डिफरेंट है, मतलब ग्रीनरी है नीचे, मुझे खेत नजर आ रहे हैं. सडनली बलोचिस्तान के अंदर ड्राई माउंटेन से निकल के यहाँ लश ग्रीन माउंटेन्स में आना, फिर सनोबर के दरख्त, उनकी खुशबू. फैसिलिटीज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको छोटे मोटे गेस्ट हाउसेज, मोटेल्स, होटल्स मिल जाएंगे ज्यारत के बाजार में. कैफे भी है, रेस्टोरेंट भी है, ढाबे भी है. उसके अलावा इस पॉइंट के ऊपर भी आपको एक मिल जाएगा गवर्नमेंट का एक छोटा सा गेस्ट हाउस जिसके अंदर आप रह सकते हैं. सो यू कैन टेक दिस ज्यारत एज योर डेस्टिनी. और यहाँ के जो करीब के वो शहर जो थोड़े गर्म है जैसे डेरा गाजी खान और बाकी इलाके, वहाँ के लोग 5-6 घंटे का डिस्टेंस लेके यहाँ आ सकते हैं, 2-3 दिन यहाँ गुजार सकते हैं. फॉर मी इट्स अ टोटली डिफरेंट सिनेरियो. बलूचिस्तान अलग सा था और ये ज्यारत बिल्कुल अलग है. हाँ जी, ज्यारत में मौजूद हैं और चाय का कप मेरे सामने है, लेकिन मुझे चाय हजम नहीं होती जब म्यूजिक साथ ना हो जाए. तो एक नौजवान जो दूर चाय पे यहाँ काम कर रहे हैं रेस्टोरेंट में, आज मुझे कुछ सुनाएंगे, कुछ मेलोडियस, कुछ फोक का सुनाएंगे, ताकि ये चाय मुझे हजम हो जाए और समा बन जाए. क्या खूबसूरत नजारा है, व्यू है. तो जनाब कुछ सुनाए ना यार, ताकि मैं चाय पी सकूं इसी तरीके से. आए मौसम रंगीले सुहाने, क्या बात है. आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आ जा बलमा. जब बैसी नदिया शोर करे, जब बैसी नदिया शोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे. याद आए, याद आए खुशी के जमाने, दिया नहीं मां
बात है। तो ज्यारत के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ जो सनोबर के दरख्त हैं वो मेरे लेफ्ट और राइट पे हैं। पहाड़ एक तरफ बंद होते हैं, दूसरी तरफ खुलते हैं। अच्छा रोड है बीच में, टेम्परेचर काफी अच्छा है। और यहाँ की टेम्परेचर की बात की जाए तो जून जुलाई अगस्त का महीना भी बहुत प्लेजेंट होता है। मतलब यहाँ पे लोग एसी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लोग पंखा भी नहीं चलाते। और जो आखिरी तीन महीने होते हैं यानी दिसंबर जनवरी फरवरी, वो एक्सट्रीम किस्म की ठंड होती है यहाँ पे। और आप ये छोटे मोटे होटल्स भी आपको मिल जाएंगे, गेस्ट हाउसेस यहाँ मिल जाएंगे, खाने पीने की जगह हैं। तो कह सकते हैं आपके एक टूरिस्ट प्लेस का जितना होना चाहिए उतना है। जग घूमा सब देखा पर कोई ना ऐसा, ये धरती ये अंबर कैसा है रास्ता, सब प्यार है यहाँ, सब प्यार है ओ, 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 ओ। जंगल सहरा पर्वत दरिया हंसेगा दशहरे, खुशहाली है हरियाली है गुनगुनाते चेहरे। तो फिर ज्यारत के आसपास आपको जानवर के जंगलात मिल जाएंगे और ये जंगलात 5 से 7 हजार साल पुराने हैं। यानी ये दरख्त 5 से 7 हजार साल पुराने दरख्त हैं। और याद रखिएगा सबसे पुराने जंगलात जो हैं वो अमेरिका के कैलिफोर्निया के हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे ज्यारत की ये जंगलात जो कि 2,47,000 एकड़ पे फैले हुए हैं। और ये जो पुराने दरख्त हैं ये आपको जगह जगह मिलेंगे। अगर आप ज्यारत शहर से बाहर निकलेंगे, बाजार से ऊपर की तरफ जाएंगे, इंटर होते हैं तो आपको ये मिलेंगे इन वर्ड ऑफ व्यू। और इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड नेट ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व करार दिया है। यानी ये हमारे पास एक विरसा है दुनिया को दिखाने के लिए कि जो पाकिस्तान के पास एक अच्छी जो खूबसूरती है वो रिफ्लेक्ट करता है। उसके अलावा बाकी जगहों पे भी आपको पाकिस्तान के ऐसे आसार मिलेंगे। लेकिन ये दरख्त जो कि 5,000-7,000 साल पुराने हैं इसको देखने के लिए मैं आया हूँ। और आज भी बिल्कुल ग्रीन है और अपने अबोताब के साथ आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। ये 18वीं सेंचुरी का वाकया है कि एक बुजुर्ग कंधार से आए अपने शागिर्द के साथ, उन्होंने इस वादी में इस सनोबर के दरख्तों के नीचे रिहायश इख्तियार की। और उनके एक शागिर्द जिनका नाम मुल्ला ताहिर था उनसे उन्होंने पानी तलब किया। वो पानी लेके आके खड़े हुए तो उन्होंने देखा कि उस्ताद फिर इबादत में मसरूफ हो गए। वो पानी लेके खड़े रहे पूरी रात में, सख्त सर्दी की रात थी, वो पूरी रात इंतजार करते रहे। और सवेरे जब उस्ताद की दोबारा
عبادت سے آنکھ اس طرف شفٹ ہوئی تو انہوں نے پانی طلب کیا تو انہوں نے پانی اس کو دیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا شاگرد بہت فرما بردار ہے اور پوری رات وہ سردی میں انتظار کرتا رہا اتنا کہ ان کے ہاتھوں کی جو اسکن ہے وہ خراب ہو گئی تھی تو انہوں نے اس کو یہاں پہ خروری بابا کا نام دیا یعنی سخی کا نام دیا ان کی مزار کی وجہ سے اس کا نام غوث کی شہر سے چینج ہو کے زیارت کے نام پہ پڑا اور آج بھی ہر سال بہت سے لوگ اس زیارت پہ دعا مانگنے کے لیے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں یہ وہ مزار ہے خروری بابا کا I'm here in district زیارت اور یہ جو جگہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ صدر مقام ہے روڈ کی بالکل لیفٹ رائٹ پہ آپ کو بازار دکانیں گروسری اسٹورز چھوٹے موٹے ہوٹل نظر آئیں گے ڈھابے نظر آئیں گے اور بلوچستان میں چونکہ آبادی دور دور ہوتی ہے تو کسی ایک مقام پہ جب بازار مل جائے تو علاقوں سے لوگ آتے ہیں اپنی ضرورت کی چیزیں لیتے ہیں تو یہ جو بازار ہے یہ نہ صرف زیارت کا بازار ہے یہاں آپ کو ہوٹل ملیں گے گیسٹ ہاؤس ملیں گے بلکہ جو دور دراز کے علاقوں کے لوگ ہیں وہ یہاں سے خریداری کرتے ہیں سمر کے اندر بھی لوگ آتے ہیں چونکہ ویدر بہت اچھا ہے اور ونٹر میں جب سنو فال ہوتی ہے تو لوگ سنو فال دیکھنے کے لیے بھی آتے ہیں ریمبر میرے بہت سے دوست کراچی میں لاسٹ ایئر پلان بنا رہے تھے کہ ہم زیارت جائیں گے زیارت میں برف باری دیکھیں گے وہ چلے گئے اور میں چلا گیا تھا کشمیر اور مری آپ کو برف دکھانے کے لیے اینڈ دیٹس ہاؤ آئی شو یو دا زیارت تو زیارت سے نکلتے ہیں ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے جگ گھوما سب دیکھا پر کوئی نہ ملا